हिंद बंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत का आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। स्क्रीन पे दिख रहा है इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये आपको बता दूं, एसएससी में पूछे गए जो है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, देखिए 2023 तक जितने भी कंप्लीट हो चुके हैं वो सब कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों बने रहे, आपको इसका बहुत बेहतरीन, इसमें पूरा पाषाण काल पहले से हो चुका है। आज हम इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों, तो बने रहें, आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया था? किस चौनहुदड़ो में, लोथल में, धौलावीरा, कोलकाता में? तो आपको बता दें, लोथल में जो है एक गोदीवाड़ा या जिसे बोलते बंदरगाह या पत्तन पाया गया था। देखिए इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे, देखिए इसमें ये चीज़ें याद करना, किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, किस जिले में, तो अहमदाबाद जिले में। और वहीं पर बात करते हैं, यहाँ से वृत्ताकार व चौकोर अग्निवेदिका, अग्निवेदिका चावल के दाने, अग्निवेदिका तथा चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं। वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था, रंगपुर था, सुतकोदता था, और प्रभा सपाटन जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। अब बात करते हैं, अब वहीं पर बात है, चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। वहीं धौलावीरा आपको बता दें कच्छ जिले में और कालीबंगा क्या है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में था। इसके चारों ऑप्शन के बारे में भी जानकारी मिल गई, बने रहे। देखिए क्वेश्चन है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था, पकी हुई ईंटों से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखिए इसमें लिखा 1948 अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी की व्यवस्था के नालियों को जो है पकी ईंटों से बनाया गया था। वही नकासीदार ईंटों का भी साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो बताओगे कालीबंगा में नकासीदार ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मिला? मोहनजोदड़ो में मिला कि धौलावीरा की, लोथल की, कालीबंगा? तो आपको बता दें, मोहनजोदड़ो मूवी आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला रानी वगैरह नहाने के लिए और सामान्य प्रोग्राम के लिए। देखिए इसमें कहा गया है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज 1922 में पुरातत्व सर्वेक्षण राखल दास बनर्जी ने किया था। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार तथा स्नानागार भवनों के लिए। और वहीं पर यहाँ के रोड क्या है? समकोण पर काटते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है? नागेश्वर, बालाकोट या कालीबंगन? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सोर्तघई जो है क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल पुरास्थल सोर्तघई और मुंडीगाक दोनों ही जो है अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तघई जो है उत्तर अफगानिस्तान में कोकजा ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है, जबकि बालाकोट वगैरह जो है, ये बालाकोट कहाँ पर? पाकिस्तान में है। अब बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को किस पर चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? किस चीज़ का पर? बिटोमिन का, प्राकृतिक चारकोल का, एस्फाल्ट का या मधुमोम का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, चारकोल का जो है, प्राकृतिक चारकोल का जो है पर चढ़ाया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी। देखिए पहले लोग भी कितने एडवांस थे हर चीज़ों के मामले में। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, लगभग 2500 साल पहले सिंधु घाटी सिंध नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? बितस्ता, बिपासा, कर्नाली या हिंदोज? तो इसका सिंधु नदी को हिंदोज नदी कहा जाता था। देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती, कहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से? मानसरोवर झील से, के निकट चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो जिलों लेह तथा कारगिल में प्रवेश करती है। वहीं झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं।
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इन्हें हिंदू, यूनानी लोग इसे इंडोस, रोमन के लोग इसे इंडस कहा जा करते थे। देखिए कई लोग अपने हिसाब से कहा करते थे। देखिए दैमाबाद नामक प्राकृतिक स्थल जो है किस राज्य में है, तो आप बताएं कि ये महाराष्ट्र राज्य में है। दैमाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। देखिए इसमें दैमाबाद नामक प्राकृतिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी किनारे, कहाँ किस नदी किनारे है, दैमाबाद तो प्रवरा नदी किनारे के बाएँ है। इस स्थल की खोज जो है बीपी बोपर्दिकर द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में नहीं है पूछा गया, तो इसका बताएं सोर्त गई नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये अफगानिस्तान में है। और ये सभी कहाँ हैं, चनउदड़ो, ये सब जो है आप बताएंगे पाकिस्तान में है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो धौलावीरा जो है और ये सब जो है महाजनपदों संबंधित है। जबकि धौलावीरा आप जानते हैं किससे, तो बताओ हड़प्पा सभ्यता से। देखिए इसमें धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। इसकी खोज जो है 1968 में पुरातत्वविद जगपत जोशी ने की थी। यह स्थल जो है तीन भागों में विभक्त है। उन्नत जल प्रबंधन के लिए हाल ही में यूनेस्को द्वारा गुजरात के धौलावीरा शहर को जो है 40वें विश्व धरोहर के स्थल में घोषित किया गया है। चलते हैं, धौलावीरा आपने जाना, धौलावीरा की खोज 1968 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों का हो जाएगा तांबा धातु मिली थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अरावली, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईस्वी में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई तब ही यहाँ पर तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे तथा तांबे, चांदी, सोने आदि से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल जो है कहाँ से मिले थे, तो इसका उत्तर टेराकोटा यानी मिट्टी ही होता, पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहा जाता, तो आप बताएंगे बनवाली से। चलते निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की, धौलावीरा में किसने खुदाई किया था, तो उत्तर हो जाएगा आर्यस बिष्ट ने जो है धौलावीरा की खुदाई की थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए धौलावीरा शहर गुजरात राज्य में कच्छ के रण के एक पुरातात्विक स्थल है। इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगपत जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी। 1990-91 में जो है के दौरान आर्यस बिष्ट द्वारा इसे उत्खनन कराया गया था। नेक्स्ट, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारत के किस राज्य में हैं, तो आप बताएंगे ये गुजरात राज्य में है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी खोज तो आप जाने 1968 में हुई, जगपत जोशी ने किया था, जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थित है गुजरात के खंभात की खाड़ी में के निकट भोगवा नदी के किनारे, इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था, लोथल की खोज 1951। अब बात करते हैं हड़प्पा स्थल जो है मोहन हल रेखाओं के निशान खोजे गए, हल रेखाओं के निशान कहाँ पर खोजे गए, कालीबंगा में जो है हल रेखाओं के निशान खोजे गए। देखिए हड़प्पा स्थल कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो है बीपी लाल और बीके थापर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं पैर साथी, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, पहला है एमोराइट, सुमेरियन या एलेमाइट या अकाडियन, तो इसका उत्तर सुमेरियन जो है भाषा नहीं थी, सुमेरियन लोगों को कहा जाता था, सुमेर में रहने वाले को। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है दजला फरात नदी के तट पर किनारे हुआ था, वर्तमान में इराक और कुवैत के क्षेत्र में ही हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व का प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन, असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में जो है स्थापित थे हुए थे। एमोलाइट, एलामाइट या अकाडियन जो है मेसोपोटामिया की भाषा थी। यहाँ के लोग की मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि ही था। अब बात करते हैं हड़प्पा स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में है, हड़प्पा स्थल जो है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में जो हड़प्पा स्थल है, उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए
रंगपुर कहाँ पर है तो बताओगी? गुजरात में किस नदी किनारे? तो भादर नदी किनारे है, समीप स्थित है। इसकी खुदाई जो है 1953-54 में रंगनाथ राव ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर जो है एक आंगन के पास बने होते थे। कमरे किसके? आंगन के। देखो आज भी आंगन बनाने का जो है परंपरा है लगभग, लेकिन जहाँ कम ज़मीनें हैं जिनके पास वो नहीं बनाते। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदिकाएँ पाई गई थी? अग्निवेदिकाएँ कहाँ पर पाई गई थी? लोथल में अग्निवेदिकाएँ पाई गई थी। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। इस अग्निवेदिकाओं का प्रयोग जो है संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित भोगवा नदी किनारे है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साथ मिले लोथल जो है को लघु हड़प्पा कहा जाता। लोथल को क्या कहा था? देखिए ला से लोथल, ला से लघु हड़प्पा कहा जाता था। वहीं लघु मोहन जोदड़ो भी कहा जाता है इसे। लघु हड़प्पा लघु मोहन जोदड़ो भी कहा जाता था। लोथल की खोज जो है एसआर राव द्वारा 1954 में किया गया था। चलते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा मगन, सुमेरियल, मेलुहा या बेबीलोन। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या कहते थे? मेलुहा कहा जाता था। क्या? मेलुहा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो है टिग्रिस यूफ्रेटस दजला यानी जिसे वो तो दजला फरात नदी के किनारे वर्तमान इराक कुवैत क्षेत्र में था। सिंधु सभ्यता उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित था। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है सिंधु सभ्यता को मेलुहा कह के पुकारते थे। सिंधु सभ्यता क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत। धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया था? प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तीन भागों में जो डिवाइड था। अब बात कर लेते हैं देखिए हड़प्पा सभ्यता के अन्य धौलावीरा को कितने? तीन भागों। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा था जहाँ पर तीन भागों में दुर्ग थे। मध्यम निचले, देखो उच्च मध्यम और निचले वर्ग में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों के दीवारों से घिरा था। अब बात करते हैं देखिए निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल जो हरियाणा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो आप बताओ हरियाणा में स्थित है। भारत में इसे सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल ये कह सकते हैं। हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित राखी गढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने किया था। यह हड़प्पा स्थल सबसे विशाल नगर है, भारत का सबसे विशाल नगर कह सकते हैं। यह मनकों को चिकना करने, घर्षण पत्थर, हाथी दांत, बारह सिंगा मनका बनाने का कार्यशाला आदि प्राप्त हुआ यहाँ पर। कौन तो आप बताओगे? राखी गढ़ी में। अब बात करते हैं हड़प्पा स्थल में नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। किस सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा कांसे की मूर्ति थी। किसकी थी? कांसे की मूर्ति। चलते हैं सिंधु घाटी का पुरातत्विक स्थल जो है दैमाबाद किस नदी के तट पर है? दैमाबाद किस नदी के तट पर है? तो उत्तर हो जाएगा परवरा नदी के तट पर जो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है तो बताओ? महाराष्ट्र में। देखिए गोदावरी नदी के तट, दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक परवरा नदी के तट पर है। भारत के महाराष्ट्र में जो है कि राज्य के अहमदानगर जिले में स्थित है। बीपी पोदेरकर द्वारा इसे खोजा गया था। ये दक्षिणतम स्थान है जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा भारत में स्थित है? दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ जो है सिंधु नदी के तट पर और सभी सिंधु नदी के तट पर ही है। देखिए रोपड़ आधुनिक रूपनगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐतिहासिक स्थल है। पंजाब के सतलज नदी के तट किनारे स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित है एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कौन सा परिपक्व जो हड़प्पा स्थल है? तो कालीबंगा जो है एक प्रकार का पूरा विकसित जो है स्थल है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं सिंधु के पूर्व क्षेत्र में संदर्भित करने के लिए छठी पाँचवीं शताब्दी में BCE की पुराने फारसी शब्द को उपयोग किया जाता था तो हिंदू के लिए प्रयोग किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले, तो प्यारे साथियों बने रहें। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।